गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स इन इकोनॉमिक पोर्शन। ओके, इकोनॉमिक फर्स्ट चैप्टर वॉज क्लियर। नाउ सेकेंड चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। इन दिस चैप्टर टॉपिक इन दिस चैप्टर ओवरव्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एवरी टाइम वी जस्ट टॉक अबाउट पॉपुलेशन, वी से दैट पॉपुलेशन इज अ बर्डन, राइट? बट नाउ नो, इट इज रॉन्ग। पॉपुलेशन इज नॉट अ बर्डन। बात करते हैं ना हम तो बात करते हैं कि पॉपुलेशन बर्डन है, मतलब बहुत पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही है। हाँ, इट्स ट्रू, प्रॉब्लम्स हैं, बट उन प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं। हर एक चीज़ हमारे लिए रिसोर्स होती है, तो हम किस तरह उस रिसोर्स का यूज़ करते हैं, हमें ये आना चाहिए, ये क्वालिटी हमें होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन है अगर कंट्री की, तो क्यों ना उस पॉपुलेशन को एज अ रिसोर्स यूज़ किया जाए। चैप्टर का नेम जो है पीपल एज रिसोर्स, तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था कि ह्यूमन रिसोर्स की बात हुई थी, तो ह्यूमन किस तरह से रिसोर्स है, वो अपनी नॉलेज से, अपनी एबिलिटी से हर एक चीज़ को यूज़ करता है और हर एक थिंग को वो यूजेबल बनाता है उसकी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी के बिहाफ, और उसे एक रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन ही तो है, इंसान ही तो है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कह रहे हैं कि पीपल रिसोर्स, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये क्या बातें कर रही हैं, रिसोर्स तो ये होते हैं नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब पीपल रिसोर्स कैसे हो रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो रहे हैं? रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है? दोज थिंग हु सेटिस्फाइड आवर नीड कॉल्ड रिसोर्स। वो सारी चीज़ें जो हमारे नीड को सेटिस्फाइड करती हैं, नीड को फुलफिल करती हैं, वो हमारे लिए हमारे रिसोर्स है। ठीक है, ये है ना रिसोर्स की डेफिनेशन, क्लियर? तो अब बात आ रही है कि ह्यूमन या पीपल जो लोग हैं वो रिसोर्स कैसे होंगे। वो रिसोर्स ऐसे होंगे, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अपनी, मुझे ही ले लो, ठीक है। मैं अभी तुम्हें तुम्हारी SST टीचर हूँ, तो ऑल फोर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटी, ये चार सब्जेक्ट तुम्हें अगर क्लियर करने हैं तो वो मेरे थ्रू होंगे, राइट? यानी मैं तुम्हें तुम्हारे सोशल स्टडीज़ के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल हूँ। मैं तुम्हें उसके बारे में सारी नॉलेज दूंगी। तो अब तुम किस पर डिपेंड हो गए? अब तुम मुझ पर डिपेंड हो गए। यानी अगर तुम्हें तुम्हारी 9th क्लास की SST क्लियर करनी है, तो वो नीड तुम्हारी जो नीड है इस SST की, वो किससे पूरी होगी? वो मुझसे पूरी होगी। तो किसी भी चीज़ से जब हमारी नीड फुलफिल होती है, पूरी होती है, तो वही तो चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है। मैं तुम्हारे लिए एक रिसोर्स हूँ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हाँ, डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए। क्यों जाते हो भाई? बीमार हो जाते हो इसीलिए जाते हो ना, हाय हेलो करने तो कोई नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन लेने जाते हैं, क्यों? कोल्ड है, कफ है, फीवर है। डॉक्टर मेडिसिन देता है, ओके, वो मेडिसिन से हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं 2-3 days, 5 days, whatever। तो क्या हुआ, हमें अगर हेल्दी, अगर हम वीक हो रहे हैं, अगर हम बीमार हो रहे हैं, तो अगर हमें वापस से रिकवर करना है, तो हमारे लिए हमारा रिसोर्स क्या होगा? डॉक्टर, राइट? और एग्जांपल लेते हैं हम, हाँ,
समर वेकेशन हो या विंटर वेकेशन हो, घूमने ज़रूर जाना है ना, पेरेंट्स को परेशान ज़रूर करना है। तो जब हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं हम पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाते हैं, है ना, व्हीकल के थ्रू जाते हैं। तो सोचा है कि ये जो हाईवेज है जहाँ पर बहुत स्पीड में कार्स दौड़ाते हुए जाते हो, ये जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये जो ब्रिजेस क्रॉस करते हो रिवर्स के ऊपर से, ये जो रेलवे नेटवर्क है, ये सब कुछ नेचुरली तो नहीं आया, ये बनाया गया, कंस्ट्रक्ट हुआ है। किसने कंस्ट्रक्ट किया? इंजीनियर्स ने। तो इंजीनियर्स क्या हुए हमारे लिए? हमारे रिसोर्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट को, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को, एक रोड से दूसरे रोड को कंस्ट्रक्ट किया है, कनेक्ट किया है, ताकि हमारा जो टूर है, हमारा जो मूव करने का टाइमिंग है, हमारी जो प्रोसेस है, वो इजी हो जाए। ठीक है, तो बहुत है तीन एग्जांपल, अब समझ में आया रिसोर्स क्या है? समझ में आ गया ना? बहुत अच्छे से। ओके, तो पीपल रिसोर्स है ना, हमारी पीपल्स जो हैं, हमारी कंट्री के जो ह्यूमंस हैं, हमारी कंट्री के जो सिटीजन हैं, जो वर्किंग में हैं, जो किसी भी फील्ड में हैं, उनसे हमारी कोई ना कोई नीड कंप्लीट होती है। दे वर सेटिस्फाइड आर नीड, देन दोस कॉल्ड आर रिसोर्स, पीपल एज अ रिसोर्स। अंडरस्टैंड? राइट, आगे चल रहे हैं। पीपल रिसोर्स तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक दो एग्जाम्पल खुद भी माइंड में सेट करो कि पीपल एज अ रिसोर्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने आप लोगों को तीन ब्रॉडली एग्जाम्पल्स दे दिए। राइट, वी विल स्टडी एंड डिस्कस अबाउट दीज टर्म्स इन दिस चैप्टर। वी विल स्टडी अबाउट दीज टर्म्स, ह्यूमन कैपिटल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, ह्यूमन कैपिटल इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ मोर एजुकेटेड और अ हेल्दियर पॉपुलेशन। अब कहोगे मैम तो पता नहीं आज क्या बातें कर रही हैं कि पॉपुलेशन के भी एडवांटेजेस हैं। हाँ बच्चा पार्टी, पॉपुलेशन के भी एडवांटेजेस हैं, हम ज़रूर देखेंगे। और ओवरऑल जब हम ये चैप्टर क्लियर कर चुके होंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एडवांटेजेस हैं पॉपुलेशन के भी। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। आपके इस चैप्टर में एक स्टोरी है सकल की, उसे आप रीड कर लेना। इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस एक्टिविटी यानी कुछ वर्किंग सिस्टम, इकोनॉमिक यानी पैसा, फाइनेंस। तो ऐसी एक्टिविटी जो फाइनेंशियली जुड़ी हुई है फाइनेंस से, उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर डेवलपमेंट एंड वेल प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? एक तो ये डेवलपमेंट करती है, दूसरा ये वेल्थ प्रोड्यूस करती है। वेल्थ मतलब पैसा, फाइनेंस मनी। ओके, तो ऑब्वियस है ऐसी एक्टिविटी यानी मैं हूँ, अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, मैं किसी स्कूल में जॉब कर रही हूँ, मैं टीच कर रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा है? इससे दो चीज़ें हो रही हैं, एक डेवलपमेंट, दूसरा वेल्थ। वो कैसे? पहला डेवलपमेंट ये हो रहा है कि मैं आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कर रही हूँ, इससे एक अच्छा खासी जनरेशन डेवलप्ड हो रही है जो हमारे फ्यूचर में काम आएगी। ओके, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे उस वर्क की सैलरी मिल रही है, इट मींस ये मेरा भी डेवलपमेंट है कि मुझे पैसा, सैलरी मिल रही है, तो मेरा भी डेवलपमेंट है, साथ के साथ वेल्थ भी है मेरे लिए, फाइनेंस भी है, पैसा भी है, तो मेरा डेवलपमेंट भी है मेरे लिए, मेरा वेल्थ भी है। दूसरा, स्कूल जो है, स्कूल का डेवलपमेंट भी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा
फीस आती है, तो स्कूल का भी डेवलपमेंट होता है और स्कूल का भी वेल्थ बढ़ता है। तो इस तरह इसे कहते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहाँ पर डेवलपमेंट और वेल्थ दोनों ही नज़र आते हैं। ठीक है, इट क्रिएट्स इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियली गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम। ये क्या क्रिएट करती है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करती है कंट्री में, इकोनॉमी बढ़ाती है, दूसरा फाइनेंशियली गेन बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उससे जो फाइनेंस मिलता है वो कंट्री के नेशनल इनकम को बढ़ाने के काम आता है। नहीं समझ में आया भाई, नेशनल इनकम यानी जो भी किसी भी ट्रेड के थ्रू कंट्री में जो इनकम प्रोड्यूस हो रही है, कोई बिजनेस है, हम ट्रेड करते हैं, चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजना, इम्पोर्ट यानी अंदर लाना। तो जब हम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो फाइनेंस है, अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ज़्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, इम्पोर्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, जिस कंट्री में एक्सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा होता है वो कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा फॉरेन मनी आती है कंट्री में, उतनी ज़्यादा कंट्री की इकोनॉमी पावर बढ़ती है। हम ट्रेड करते हैं तो ट्रेड के थ्रू हम जो भी ट्रेड करने से पहले, यानी चीज़ें एक्सपोर्ट करने से पहले हम उस गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो गुड प्रोड्यूस करने में क्या यूज़ होते हैं, पीपल, ह्यूमन यूज़ होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो उससे गुड प्रोड्यूस होता है, यानी कंट्री की फाइनेंस एंड इकोनॉमी बढ़ती है। सेक्टर अंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन सेक्टर आते हैं क्लियरली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर, इट इज ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस सेक्टर कंसीडर डायरेक्टली यूजिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग। राइट, तीन सेक्टर में देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। तो प्राइमरी सेक्टर की जब भी बात आती है इट मीन्स हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये वो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जिस पे हमारा सेकेंडरी सेक्टर पूरी तरीके से डिपेंड है। ओके, विदाउट प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं हो सकता। ओके, तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर जो सिस्टम है, तो सिर्फ हम एग्रीकल्चर नहीं देखते, हम इसके अंदर और भी सिस्टम्स को मिलाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर जो एक अम्ब्रेला टर्म है, उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो दिस सेक्टर में क्या क्या आएगा, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है एंड क्वेरिंग है। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्रीज को, फॉरेस्ट्री से रॉ मटेरियल मिलता है इंडस्ट्री को, एनिमल हस्बेंड्री से जो एनिमल्स हैं, जैसे जो शीप हैं, काव है, तो शीप की वूल, काव का मिल्क, बफेलो मिल्क, ये सब भी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। फिशिंग है, फिशिंग भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। पोल्ट्री फार्मिंग है, माइनिंग है एंड क्वेरिंग है। तो माइनिंग एंड क्वेरिंग के थ्रू जब हम रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं अर्थ में से, तो वो पूरा के पूरा रॉ मटेरियल कहाँ जाता है, इंडस्ट्री सेक्टर में, यानी सेकेंडरी सेक्टर में। यानी क्लियर हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर है वो पूरा के पूरा प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंड है। सेकेंडरी सेक्टर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। दिस सेक्टर कंसीडर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। फाइन, देखो सेकेंडरी सेक्टर जहाँ भी कुछ बन रहा है इट मीन सेकेंडरी सेक्टर है। कुछ भी, कुछ भी, कुछ भी,
जिस सेक्टर में कुछ भी बन रहा है, यानी मान लो चिप्स बन रहे, चिप्स के पैकेट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चर हो रहा है, बन रहा है चिप्स, बन रहा है रॉ मटेरियल, पोटैटो आया है एग्रीकल्चर सेक्टर से, अब उस रॉ मटेरियल से कुछ बन रहा है, चाहे वो चिप्स हो, कुछ भी हो, वीट आया है, वीट से बिस्किट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, तो कुछ बन रहा है, इट मींस मैन्युफैक्चर हो रहा है, और मैन्युफैक्चर कहाँ आता है, सेकेंडरी सेक्टर में। मिल्क आया है, मिल्क से कुछ भी बन रहा है, पनीर बन रहा है, दही बन रहा है, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, तो कुछ बन रहा है किसी इंडस्ट्री में, कुछ बन रहा है, इट मींस मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब सेकेंडरी सेक्टर, अंडरस्टैंड। कोई वो सेक्टर जहाँ कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेक्टर जहाँ कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। इसमें वो सारी इंडस्ट्रीज आती हैं जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल कलेक्ट करती है और कुछ रेडी टू यूज़ गुड्स बनाती है। टर्शियरी सेक्टर, इट इज़ मोस्ट एसेंशियल सेक्टर बिकॉज दिस सेक्टर प्रोवाइड्स सर्विसेज टू द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट? You don't know about tertiary sector? Let's talk about. This sector provides service. This sector include trade, transport, communication, banking, education, health, tourism, services, insurance. ये sector जो है tertiary sector है, इस sector को हम service sector भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये sector जो है primary sector और secondary sector को service provide करवाता है। सर्विस कैसे प्रोवाइड कराता है? देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर फार्मर को अगर लोन चाहिए तो वो किससे लेंगे? वो बैंक से लेंगे। तो बैंकिंग क्या दे रही है? अपनी सर्विस दे रही है, तो सर्विस सेक्टर हुआ ना, ठीक है। इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, आप उन्हें इंडस्ट्रीज को भी ओपन करने के लिए अगर लोन की ज़रूरत है तो वो बैंक प्रोवाइड कराता है सर्विस। गुड्स बन गए, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने के लिए, गो वन प्लेस टू अनदर, हमें ट्रांसपोर्टेशन की नीड होती है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है जो ये सेक्टर प्रोवाइड कराता है। कम्युनिकेशन, आप अपना गुड्स बना चुके हो तो जब तक आप गुड्स नहीं बनाओगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, यानी आप कम्युनिकेशन करते हो कि इतना माल चाहिए, इतने गुड्स चाहिए, इतना टेंडर है, तो जब तक आप किसी से कम्युनिकेट नहीं करते मार्केट से, ट्रेडर से, तब तक आप इंडस्ट्रीज में गुड्स नहीं बना सकते। तो एक कम्युनिकेशन सेक्टर है जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो सर्विस है, एजुकेशन है, हेल्थ है, टूरिज्म है, सर्विस है, इंश्योरेंस है, ये सारी सर्विसेज इस टर्शियरी सेक्टर में आती है, ठीक है? तो ये है टर्शियरी सेक्टर जो दोनों को हेल्प प्रोवाइड कराता है। टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बच्चा पार्टी अंडरस्टैंड ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, राइट? टू पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर पढ़ रहे थे हम, ये पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के दो ही पार्ट हैं, मार्केट एक्टिविटी, नॉन मार्केट एक्टिविटी। बहुत सिंपल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मार्केट एक्टिविटी एंड नॉन मार्केट एक्टिविटी। और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के ये जो सेक्टर हैं, दीज ऑल्सो आर इम्पॉर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। मार्केट एक्टिविटी क्या है? मार्केट एक्टिविटीज कंसीडर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रिम्यूनरेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में इजी पीजी सिस्टम से समझाऊं, तो मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी जो ऐसा वर्क जिसको करने के बाद हमें फाइनेंस प्रोवाइड होता हो, मनी मिलती हो, सैलरी प्रोवाइड होती हो, ऐसा काम, ऐसा वर्क जो हम कोई भी वर्क करते हैं वो उसके बदले हमें एक पेमेंट मिल रही हो, वो मार्केट एक्टिविटी कहलाती है। तो आपका
आपकी लाइंस भी यही कह रही है, मार्केट एक्टिविटी कंसीडर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी मार्केट एक्टिविटी वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस फॉर रिम्यूनरेशन। चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे हम प्राइवेट की बात क्यों ना करें, जहाँ पर हम गुड और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले रिम्यूनरेशन यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सैलरी पेमेंट, उसके बदले हमें क्या मिल रहा हो, सैलरी मिल रही हो, पेमेंट मिल रही हो, वो कहलाती है हमारी मार्केट एक्टिविटी। अंडरस्टैंड? सेकेंड है नॉन मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी कंसीडर्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भाई मार्केट एक्टिविटी का एक एग्जांपल दूं तो कोई सा भी एग्जांपल ले लो, आपके फादर अगर जॉब पर हैं, आपके कोई रिलेटिव जॉब पर हैं, तो उनको वो सर्विस देने के बदले एक पेमेंट मिलती है, तो मार्केट एक्टिविटी हुई। आपका बिजनेस है, आप बिजनेस कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, प्रॉफिट के लिए, तो अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो उसके बदले आपको प्रॉफिट मिलता है तो ये मार्केट एक्टिविटी। तो वो हर वो काम जिसके बदले पैसा मिलता हो, सैलरी मिलती हो, पेमेंट मिलती हो, प्रॉफिट मिलता हो, वो हमारे लिए हमारी मार्केट एक्टिविटी। नॉन मार्केट एक्टिविटी सिंपल है ना, जब मार्केट एक्टिविटी है और अगर उसके अपोजिट नॉन मार्केट एक्टिविटी, तो जो इसमें हो रहा है वो इसमें नहीं होता होगा। सिंपल, नॉन मार्केट एक्टिविटी में वर्क तो है, एक्टिविटी तो है, काम तो है, गुड्स है, सर्विसेज तो है, लेकिन पेमेंट नहीं मिलता। अब तुम टेंशन में आ गए, अरे मैम ये ऐसा कौन सा काम है जो बिना पैसों के करेंगे, करते हैं। एग्जाम्पल हाउस होल्ड वर्क, घर के काम काम नहीं होते, एक्टिविटी नहीं है, उसे करने में टाइम नहीं लगता, उसको करने में एनर्जी नहीं लगती, होते हैं ना, टाइम भी होता है, टाइम भी खर्च होता है, एनर्जी भी लगती है, आपके पेरेंट्स आपकी मम्मा थक भी जाती हैं, और बहुत फिजिकली हार्ड वर्क भी होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, फिजिकली हार्ड वर्क भी होता है, थकान भी होती। तो आप बाहर जाके काम वर्क कर रहे हो, या बाहर जाके वर्क कर रहे हो आपको पैसा मिल रहा है, आप हाउस होल्ड वर्क कर रहे हो आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, तो मेहनत उतनी ही है, टाइम उतना ही है, लेकिन एक जगह पेमेंट है, एक जगह नॉन पेमेंट है। तो ऐसी एक्टिविटी जहाँ पेमेंट मिलता हो वो मार्केट एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी जो सर्विस तो प्रोवाइड कराती है लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन मतलब अपनी डेली सिस्टम को पूरा करना, अपनी नीड को पूरा करना। अब देखो जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है आपकी, आप उठते हो या आपकी मम्मा उठती है, उसे बनाती हैं, लंच बनाती हैं, घर क्लीन करती, तो ये सब ज़रूरी है ना, कपड़े धोना, जो हम कपड़े डेली यूज़ करते हैं फिर उन्हें वॉश भी किया जाता, तो ये हमारी डेली कंजम्पशन है, नीड है हमारी, ज़रूरत है, तो इसको पूरा होना चाहिए। हमारा लंच डिनर ब्रेकफास्ट ये हमारी सब ज़रूरत है, तो ये कम्प्लीट होना चाहिए। तो ये कम्प्लीट हो इसके लिए आपके घर में आपके पेरेंट्स ये एक्टिविटी करते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए, तो ये कहलाती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। सिंपल, समझ में आया, नॉन मार्केट एक्टिविटी एंड मार्केट एक्टिविटी, फाइन। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए, तो शायद आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।